झामुमो के केंद्रीय महासचिव, रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने सीसीएल पिपरवार क्षेत्र में चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पिपरवार क्षेत्र में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मनोज चंद्रा और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान कई जगहों पर उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और इस मौके पर झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन कुमारी सिंह, मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, केंद्रीय सचिव रामचंद्र उरांव, इनके एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, रंथु उरांव, नरेश गंजू, विनय खलको, जेपी महाराज, मोहम्मद असलम, सलीम जावेद, विनय खलको, मोहम्मद अफजाल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अभी हम लोग पूरे बड़कागांव विधानसभा होते हुए हम लोग सिमरिया विधानसभा के क्षेत्र में हम लोग मीटिंग किए और पूरे झारखंड में जिस तरह से हवा चल रहा है इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हेमंत सोरेन जी फिर एक बार मुख्यमंत्री को बनाने के लिए झारखंड के जनता ने निर्णय ले लिया। जिस तरह का लोगों का रुझान है, आज हम लोग सिमरिया विधानसभा में मीटिंग किए। यहाँ से हमारे इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मनोज चंद्रा जी यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और पूरे सिमरिया विधानसभा में जिस तरह का हम लोग हवा का रूख देख रहे हैं, जनता पूरा पूरी मूड बना दिया है। इस बार सिमरिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज चंद्रा जी जीतेंगे और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 5 वर्षों में जो झारखंड की जनताओं के हित में जो काम किया है, वो चाहे बिजली बिल माफ का मामला हो, वो चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को देने का योजना हो, या सर्जन पेंशन योजना हो, या महिलाओं को सम्मान योजना की बात हो, आज पूरे झारखंड की जनता जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, आज सरकारी योजनाओं का सभी लोग लाभ ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि झारखंड में 2019 में जो झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया था अपनी सरकार को हेमंत सोरेन जी को, और हेमंत सोरेन जी ने जनता के साथ जो कमिटमेंट किया था उसके हिसाब से झारखंड की जनता के हित में काम किया है और इस चुनाव में काम के सवाल पर झारखंड का जनता हेमंत सोरेन को वोट करेगी। और ये जो लोग जो विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी है जो राज्य में लगातार राज बनने के बाद शासन में रहा, सरकार में रहा और झारखंड के जनताओं को लूटने के अलावा कुछ दिया नहीं, उसका करारा जवाब झारखंड की जनता देगी। और हेमंत सोरेन को जिस तरह से लोगों ने साजिश करके उसको जेल में डालने का काम किया, उसका बदला भी इस चुनाव में झारखंड की जनता लेगी। भैया समान योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण को लेकर के हेमंत सोरेन ने जो मुख्यमंत्री मैया समान योजना लाया है, ये बहुत ही कारगर योजना है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने अभी 1,000 रुपया प्रति महीना देने का योजना लाया है, उसको 2500 किया गया है, दिसंबर से उसको 2500 उसको लागू भी कर दिया जाएगा और ये बहुत ही कारगर योजना है। उसी योजना को देकर के विपक्षी दल भाजपा के लोग बुखला गए हैं। वो लोग बोलता है गोगो दीदी योजना लाएंगे, लेकिन 17 साल वो क्यों नहीं लाए गोगो दीदी योजना, जनता पूछ रही है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और ये कारगर योजना है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए।